जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? ठाकुर जी से आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभ कामनाओं की मैं इच्छा करता हूं। पिछले कई दिनों से आपके लिए वीडियो मैं नहीं बना पाया, थोड़ा व्यस्त रहा, बिजी रहा। कार्य क्षेत्र का फैलाव जो है, उस फैलाव के कारण मैं वीडियो बनाने का समय जो है मेरे को नहीं मिल पाया। आज मैं बैठा हूँ आपके लिए एक और बड़ी सुंदर वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। वैसे तो संतान के ऊपर, जिनके संतान नहीं होती उनके संतान के ऊपर मैंने अनेकों वीडियोज बनाई हैं और सभी के सभी श्रेष्ठ हैं। और बड़ी सरल उपायों के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि आप ये उपाय करें तो उससे संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। मेरा जो आज का वीडियो है वो भी संतान के विषय को लेकर है। यदि आप इस संतान के विषय की इस वीडियो को देखेंगे और उसके अनुसार कर्म करेंगे तो आपको अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और संतान को प्राप्त करना, संतान के लिए सभी दंपत्ति जो हैं दुखी भी रहते हैं, तड़फते भी हैं कि कम से कम एक संतान हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। ऐसे बहुत से परिवार मुझको व्हाट्सअप करते हैं, उनके दुख को देख करके मेरा भी हृदय द्रवित होता है। आज मैं उन्हीं के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ, यदि वो मेरे अनुसार इस उपाय को करेंगे तो उनको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। प्यारे मित्रों, मेरी हर वीडियोस में मैं ये कहता हूं कि यदि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, अर्थात पति और पत्नी दोनों का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कोई मेडिकल समस्या ना हो, ना पत्नी में हो ना पति में हो, कोई ऐसी शारीरिक कमी ना हो, और यदि वो मेरा ये उपाय करेंगे तो उनको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब उपाय कब काम नहीं करते? उपाय भाइयों तब काम नहीं करते जब शरीर में कोई ना कोई कमी हो, दोनों में से किसी एक के शरीर में कमी हो और हम उपाय करें तो उपाय असर क्या कहां से करेगा? आप में विद्वत है, बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए मेरी पहली शर्त यह होती है कि मेरा उपाय करने से पहले आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट को अवश्य देख लें। अगर वो स्वस्थ हैं तो मेरा उपाय करेंगे तो निश्चित आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं। और मेरे उपाय इतने सरल होते हैं कि कोई इसमें ज्यादा धन भी नहीं लगता, समय भले लगे थोड़ा सा लेकिन धन नहीं लगता बिल्कुल, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आज का उपाय भी ऐसा ही है। ये उपाय हमारी बहन जो है उनके लिए उपाय है। यदि हमारी बहनें माताएं जिनको संतान की प्राप्ति अब तक नहीं हुई, यदि वो इस मंत्र को करेंगी तो इस मंत्र के प्रभाव से उनको गर्भ उनका धारण हो जाएगा, उनके बच्चे की प्राप्ति उनको अवश्य शीघ्र ही होगी। एक बार ना हो तो उसको अगली बार करें, अगली बार ना हो तो उसको अगली बार करें, लेकिन ये दो तीन बार चार बार यदि करेंगे तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक बार में उपाय फलित नहीं करता तो अगली बार भी ये उपाय आप करें तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आप समझ लें आज का उपाय। मंत्र है छोटा सा, उस मंत्र को ध्यान से समझें, ध्यान से सुने और उस उपाय को करें। मंत्र क्या है? पूर्व दिशा की ओर या ईशान दिशा की ओर आपने मुंह करके बैठ जाना है। नीचे आसन बिछाना है पीले रंग का। पीले रंग का आसन बिछाने के बाद पूर्व दिशा की ओर या ईशान कोण की ओर, उत्तर दिशा भी हो सकती है, इन तीनों दिशाओं में से किसी एक दिशा की ओर आपने मुख करके बैठना है और नीचे आसन बिछाना है। उसके पश्चात पीला वस्त्र धारण करके, पीला वस्त्र ना हो तो पीला रुमाल अपने पास रखें और इस मंत्र का जाप करें पीरियड के पांचवें दिन से लेकर के
ग्यारहवें दिन तक तीन माला का जाप आपने करना है, पीरियड के पांचवें दिन से लेकर के ग्यारहवें दिन तक, ठीक है। और फिर बारहवें दिन आपने पति के साथ रमन करना है, और यदि इस प्रकार से उपाय करेंगे तो भगवान ने चाहा तो बारहवें दिन आपका गर्भधारण अवश्य हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लें, पीरियड के पांचवें दिन से लेकर के ग्यारहवें दिन तक तीन माला का मंत्र जाप आपने करना है, वो मंत्र मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और फिर उसके पश्चात बारहवें दिन आपने रमण करना है पति के साथ। इस प्रकार से उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब आप उस मंत्र को देखें, उस मंत्र को ध्यान से सुन लें कि वो मंत्र क्या है, और उस मंत्र में कोई कमी कोई गलती ना करें, और भाव से इस मंत्र का आप तीन माला का जप अवश्य करें। मंत्र क्या है? ओम परब्रह्म परमात्मने मम दीर्घजीवी सुतम कुरु कुरु स्वाहा। बस छोटा सा मंत्र है, फिर से समझ लें। ओम परब्रह्म परमात्मने मम दीर्घजीवी सुतम कुरु कुरु स्वाहा। प्यारे मित्रों, इसकी तीन माला का आपने जप करना है, और जिस विधि से मैंने आपको बताया उस विधि से जप करना है। जप करने के बाद पांचवें दिन से, पीरियड के पांचवें दिन से शुरू करके ग्यारहवें दिन तक जप करना है, और बारहवें दिन को रमन करना है। इस जप के मध्य रमन नहीं करना। जब जब खत्म हो जाएगा ग्यारहवें दिन, उसके पश्चात बारहवें दिन से आप रमन करें तो ठाकुर जी की कृपा से गर्भधारण हो जाएगा। बड़ा सटीक उपाय है, मैंने कई परिवारों को ये उपाय बताया है, और उन परिवारों में आज बच्चे की किलकारियां जो है गूंज रही हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, भाइयों को, बंधुओं को ये वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका उत्तर। और कुछ भी आप जानना चाहें, विश्लेषण कराना चाहें, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सक।